हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रमिता। प्रमिता की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं एक स्नैक्स आइटम लेकर आया हूँ। आप ये सुबह टिफिन में खा सकते हैं, शाम को चाय के साथ भी आप खा सकते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ इंस्टेंट पापड़ी चाट। इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए और शुरू करते हैं पापड़ी चाट। चलो, आज मैं जो बनाने वाली हूँ पापड़ी को लेकर, ये पापड़ी मार्केट्स में मिल जाता है, आप लेकर आ सकते, आप घर में बना सकते हैं। अगर इसका रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं बनाकर जरूर भेजूंगी। ये है पापड़ी और प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज, एक आलू और थोड़ा सा उबला हुआ चना, और ये जो दही है इसको 2 घंटा पहले इसमें थोड़ा सा चीनी मिलाकर फ्रिज में रख दीजिए, लेकिन ऐसे वाला गाढ़ा दही चाहिए पापड़ी चाट के लिए। और ये सेव, ये भी मार्केट में मिल जाता है, इसको लेकर हम बनाएंगे पापड़ी चाट। इसके लिए चाहिए प्लेट, प्लेट को लेना है। प्लेट ले जाएंगे, और पापड़ी को इसे बिखर देंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा आलू को भी बॉईल करके इसे छोटा छोटा काट देना है, थोड़ा सा उबला हुआ आलू। और प्याज, आप प्याज नहीं खाएंगे तो प्याज को भी स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा उबला हुआ चना, और ये मीठी दही। पापड़ी चाट में दही की मात्रा ज्यादा होगा। थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, अभी ऊपर से ये सेव को डाल देंगे। सेव को डालने के बाद फिर से थोड़ा सा दही, थोड़ा सा धनिया की पत्ता, अभी हमारा ये बन गया है पापड़ी चाट। आप इसको ट्राई कीजिए, कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। मैं तो ट्राई करती हूँ इसीलिए बोल देती हूँ अच्छा लगता है, लेकिन आप एक बार बनाकर ट्राई कीजिए, कैसे लगा मुझे ज़रूर लिखकर भेजिए। आपकी साथ मुझे बहुत ज़रूरी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।